हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि जीरो डेप्ट के साथ साथ हाई पेइंग डिविडेंड भी हैं। यानी कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में डिविडेंड भी पेड करती है, यानी शेयर होल्डर्स के तो मज़े हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कंपनी पे जब कर्जा नहीं है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस में जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है। ऊपर से आपको जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है कंपनी अपने पास रखती है, उसी में से कुछ प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स को भी देता है, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिविडेंड पेड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, हम अपने पहले स्टॉक की अगर बात करें तो वो है कैस्ट्रोल इंडिया। आपको पता होगा, अगर इंजन ऑयल की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है कैस्ट्रोल इंडिया, यानी ये मार्केट लीडर भी है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 11,103 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक की पी आपको 20 से भी नीचे में मिल रही है, यानी 16.7 पे मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट आप देख सकते हैं 0.00 करोड़, यानी एक भी रुपया इनके ऊपर डेप्ट नहीं है। अगर करेंट वैल्यू की बात करें, करेंट प्राइस की बात करें तो 112 रुपये पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 12.08 रुपये पर मिल रहा है, यानी 12.80 रुपये पे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 65.4% का है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हाई और लो की बात करें, 52 वीक हाई 52 वीक लो की, तो 162 का 52 वीक हाई है, जबकि 89.6 52 वीक लो है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.90% है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, बड़े से बड़ा ब्लू चिप भी इतना ज़्यादा आपको डिविडेंड नहीं पेड करता जितना ये कंपनियाँ आपको पेड कर दे रही हैं। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। तो दोस्तों, अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 2018 से लेकर, यानी 2008 में अगस्त में दिया था इन्होंने डिविडेंड, उसके बाद 2019 में 2 बार डिविडेंड, 2020 में दो बार डिविडेंड, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर इन्हीं को जोड़ा जाए तो 120% डिविडेंड ऑलरेडी ये पेड कर चुके हैं 2020 में। अब जबकि इन्होंने 105% पेड किया था 2019 में, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये डिविडेंड पेड कर रहे हैं। वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है प्रेसमैन एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो मार्केट कैप बहुत कम है, यानी बहुत छोटा ये शेयर है, 39 यानी 39 रुपये का, ये 39 करोड़ रुपये का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक की पी की बात करें तो 7.29 का है। रिटर्न ऑफ अगर इक्विटी की बात करें तो 13.2 का है, जबकि डेप्ट 0 है। करेंट प्राइस 16.60 रुपये है। बुक वैल्यू 16.80 रुपये, यानी अपने बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है ये शेयर। हाई और लो की बात करें तो 31.80 रुपये इनका 52 वीक हाई है, जबकि 52 वीक लो 10.84 रुपये, यानी 10.40 रुपये। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 6.02%, यानी उससे भी कहीं ज़्यादा डिविडेंड ये पेड कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू है। अगर इनके डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016, 2017, 2018, 2019, यानी कि ये कंटिन्यू डिविडेंड पिछले 4 सालों से देते हुए आ रहे हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ये दे रहे हैं 60%, 65%, 70%, यानी पिछले 2019-18 की बात करें तो 70% तक का इन्होंने डिविडेंड पेड किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये डिविडेंड पेड कर रहे हैं। वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो सन टीवी। आपको पता होगा, इन शेयर की अगर बात करें तो मार्केट कैप 17,160 करोड़ का है, जबकि पी पे मिल रहा है ये 13.7 पे। अगर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट बिल्कुल भी 0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो 22.6% का है। करंट प्राइस 435 रुपये पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 145 का है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 532 रुपये तक ये गया था, और जबकि 52 वीक लो 260 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 5.74% का है। फेस वैल्यू 5 का है। अगर इनकी डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 2019 में 3 बार इन्होंने डिविडेंड पेड किया, और 2020 में ऑलरेडी ये 2 बार पेड कर चुके हैं, यानी एक बार फरवरी में इन्होंने पेड किया हुआ था, एक बार मार्च में, जबकि मार्च में लॉकडाउन लगा उसके पहले ये 2 बार ऑलरेडी पेड कर चुके हैं डिविडेंड, ये काफ़ी अच्छी बात है। वो भी छोटा मोटा नहीं है, आप देख सकते हैं 250% का, 150% का, यानी मिला जुला के काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पेड कर रहे हैं ये लोग। अगर बात किया जाए 2019 में तो 2019 में भी 150% का डिविडेंड पेड किया हुआ है। तो दोस्तों, डिविडेंड तो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं ये कंपनियाँ। अगर आपको डिविडेंड ही कमाना है शेयर को रख कर, तो इन शेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। शेयर
आप देख सकते हैं जीरो डेप्ट के साथ साथ डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये पेड कर रहे हैं। वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अगर इन शेयर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले डिविडेंड पेइंग हमें क्यों लेना चाहिए, तो इसमें दो फायदे होते हैं। पहले तो आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहता है, ये पहली आपकी इनकम हो जाती है, और दूसरी इनकम होती है जो शेयर के दाम ऑलरेडी भाग रहे हैं यानी कि शेयर के ग्रोथ के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट में आपको मिल जाता है डिविडेंड यानी कि डबल फायदा। तो ये काहे क्यों छोड़ना है ऐसे शेयर्स को। तो वहीं अगर इस शेयर की बात करें तो मार्केट कैप 748 करोड़ का है, जबकि पी की बात करें तो 8.96 का है। डेप्ट बिल्कुल भी जीरो है, करेंट प्राइस 337 पे मिल रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 79.4 का है। तो दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 48.5% है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 434 रुपये इनका 52 वीक हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 270 रुपये इनका 52 वीक लो है। और डिविडेंड अगर की बात करें तो 11.1% का डिविडेंड है, यानी कि इमेजिन नहीं कर सकते आपकी ये शेयर कितना ज़्यादा डिविडेंड आपको दे रहा है। और ये खासकर जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हाथ है इस शेयर पे, उसके बाद भी इतना ज़्यादा डिविडेंड पेड करना तो एक PSU शेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। अगर इनके डिविडेंड की डिटेल देख लेते हैं तो 2016, 17, 18, 19 यानी पिछले 4 सालों में ये लगातार डिविडेंड पेड करते आ रहे हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं। आप देख सकते हैं 2016 में 125% का डिविडेंड, वहीं 2017 में 170% का, यानी हर साल ये अपना डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ाते ही जा रहे हैं। 2018 में जबकि 240% का, और वहीं देखें कि 2019 में 340% का ग्रोथ, यानी कि यहाँ से 100% 2018 से 19 के कंपेयर करें तो 100% इन्होंने बढ़ाया हुआ है डिविडेंड की परसेंटेज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट है गौती पालकॉम इंडिया। अगर इनकी बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप बहुत कम है यानी कि बहुत छोटा ये शेयर है, 13 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पी की बात करते हैं तो 7.74 का है। आप डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट बिल्कुल भी जीरो है, एक पैसे नहीं है डेप्ट में। करेंट प्राइस 12.80 रुपये चल रहा है, जबकि बुक वैल्यू 11.90 रुपये यानी 80 पास का कहीं ना कहीं टारगेट है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 15.30 रुपये है, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 6.81 रुपये यानी ये अपने 52 वीक हाई के आस ही पास ट्रेड हो रहा है ये भी कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें यानी इतनी छोटी कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 7.84% का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो दोस्तों ये शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी ग्रोथ दे रहे हैं, अगर इसमें आपको डबल इनकम भी हो रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है हर साल, कोई कुछ कुछ तो शेयर साल में आपको 2-3 बार तक भी डिविडेंड पेड किया है, यानी कि आपको एक साल में 2-3 बार भी आपको कमाई हो जाती है, प्लस जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो उसमें आपकी कमाई जो होती है वो अलग से होती है। तो दोस्तों इन शेयर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको डिविडेंड कमाना है तो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।